కులాల ప్రాతిపదికన జనాభా లెక్కలు చేపట్టాలంటూ ప్రధాని మోడీని కలిశారు బీహార్ సీఎం నితీష్ కుమార్. నితీష్ తో పాటు బీహార్ కు చెందిన పలు పార్టీల నేతలు సౌత్ బ్లాక్ వచ్చారు. ఆర్జేడీ నేత తేజస్వి యాదవ్, వికాస్శీల్ పార్టీ నేత ముఖేష్ సహానీ, హిందుస్థాన్ ఆవా మోర్చా చీఫ్ మాజీ సీఎం జితన్ రామ్ మాంఝీ ప్రధానిని కలిశారు. కులాల ప్రాతిపదికన జనాభా లెక్కలపై ఇప్పటికే రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేశామని చెప్పారు నేతలు. దీనివల్ల వెనుకబడిన వర్గాలకు ప్రత్యేకంగా స్కీములు తయారు చేసే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी, पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही, हर तरह की बातें जो रखी है तो उसको ध्यान से सुने हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे. ये करेंगे अभी इसके बारे में उन्होंने कोई डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात को डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात उन्होंने सुना और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए. ये हम सब लोगों ने कहा. राज्यों में कई सारे ओबीसी पद खाली हैं, दलित पद खाली, अफसर के खास से, उसको लेकर आप लोगों ने बात की क्या? देखिए, हम लोगों ने सब तरह की बात की है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज, हर तरह की बात हम लोगों ने पूरी बात रखी, बैकवर्ड सब तरह की बात. अगर जातीय जनगणना से उन्माद फैलेगा, जातिवादी कहलाओगे, तो धर्म की भी गिनती नहीं होनी चाहिए. क्यों गिन रहे? तब तो धर्म में भी जो है आपका राइट होगा, तो वो भी अब तक तो हुआ नहीं ऐसा कि सेंसस से रिलीजन में लड़ाई हो जाए, तो ऐसी बात तो नहीं है. दूसरी बात, खर्चे की जहां तक आई, तो भाई जो सेंसस ऑलरेडी होता है एसटी का, एससी का, आपका माइनॉरिटीज का, तो उसमें एक कॉलम ही जोड़ना है. जब खर्चा जब जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं, तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी. ये प्रथम बार ऐसा हुआ है, नहीं बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो पक्ष विपक्ष दोनों साथ है. इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और ये डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं. उसी प्रकार से हम लोगों ने भी कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या बढ़ी है, गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है ज़्यादा, इसमें कोई ये नहीं है और उसी अनुसार 16% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है. तो जब तक जनगणना उसकी नहीं होगी तब तो फिर कैसे उसका आरक्षण आगे बढ़ेगा? इसलिए महामहिम से हमने कहा कि भाई इस जातीय जनगणना को हर हालत में करवाइए, आपका नाम बढ़ेगा.